दोस्तों 1949 में अपने सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन से बाहर निकलने के बाद जिस रफ्तार से चाइना का राइज हुआ वो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बना। इस इकोनॉमिक राइज ने चाइना को अमेरिका के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जहां ये दो ग्रेट पावर्स एक दूसरे को काउंटर करने की जद्दोजहद में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि चाइना आज इतना पावरफुल है कि शायद वो एक फुल स्केल वॉर में यूएस को मात भी दे सकता है। दुनिया भर में आज एक कंसेंसस है कि चाइना लगातार यूएसए को पीछे छोड़ता जा रहा है। शायद इसी बिलीफ के चलते जो बाइडेन ने कह दिया कि इफ यू डोंट गेट मूविंग दे गोइंग टू ईट अवर लंच। लेकिन हमारे वीडियो का मकसद चाइना के राइज और डोमिनेंस की चर्चा नहीं, बल्कि आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे अब चाइनीज राइज का अंत होने वाला है। एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट माइकल बेकली का तो यही मानना है। दोस्तों प्रोफेसर बेकली कहते हैं कि आज चाइना के पॉलिटिको इकोनॉमिक माइट के कई एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे 1978 से आज तक चाइना का जीडीपी 40 टाइम्स बढ़ा हुआ है। चाइना के पास आज दुनिया के लार्जेस्ट फाइनेंशियल रिजर्व्स के साथ ह्यूज ट्रेड सरप्लस भी है। उसका मिलिट्री पावर भी कई मिलिट्री इंडेक्सेस के हिसाब से टॉप पर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का अफगानिस्तान से एग्जिट और वहां चाइना द्वारा एक सिनोसेंट्रिक एशिया बनाने के उसके एग्रेसिव मूव्स भी चाइनीज पावर की तरफ इशारा करते हैं, जहां वो वॉशिंगटन से आगे निकल रहा है। लेकिन दोस्तों शायद बीजिंग की जल्दबाजी और एग्रेसिवनेस ही इस बात का प्रमाण भी है कि अब शायद ड्रैगन के गोल्डन डेज खत्म होने वाले हैं। बेकली मानते हैं कि चाइना का दशकों तक रैपिडली राइज करना ही शायद उसके लिए आज एक अभिशाप बन के उभर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि चाइना का ये स्टैग्नेशन क्यों और कैसे। दोस्तों वो फैक्टर्स जो चाइनीज ग्रोथ के सिंबल्स और फैक्टर्स थे वही अब उसके लिए लायबिलिटी बनते दिख रहे हैं। चाइनीज डिक्लाइन या स्टैग्नेशन का सबसे पहला रीजन है वहां क्रूशियल नेचुरल रिसोर्सेज की कमी। आधे से ज्यादा चाइनीज रिवर्स गायब हो गए हैं और रैपिड ग्रोथ द्वारा क्रिएटेड पॉल्यूशन के चलते 60% ग्राउंड वाटर को चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद अनफिट फॉर ह्यूमन कॉन्टैक्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस रैपिड ग्रोथ ने आज चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा नेट एनर्जी इम्पोर्टर भी बना दिया है, जो अनसस्टेनेबल है। फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन भी खराब है, क्योंकि चाइना ने 40% से ज्यादा फार्मलैंड्स को ओवरसू कर खुद को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए भी वर्ल्ड पर डिपेंडेंट बना दिया है। इसके अलावा रिसोर्स स्कार्सिटी के चलते आज उसके लिए ग्रोथ काफी एक्सपेंसिव हो गई है। एक एस्टिमेट के हिसाब से पिछले 20 सालों में चाइना का नीड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हैज इंक्रीज 3 times। इसके अलावा चाइना डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते 2020 और 2050 के बीच चाइना रफली 175 मिलियन वर्किंग एज एडल्ट्स को लूज कर देगा। साथ में 194 मिलियन सीनियर सिटीजन का वहां राइज होगा, जो इकोनॉमिक सेंस में डिपेंडेंट्स में गिने जाते हैं और इकोनॉमी में बर्डन की तरह देखे जाते हैं। ये इंडिया के कंपैरिजन में उल्टा है, जो अगले 20 से 25 सालों तक यंगेस्ट कंट्रीज में होगा और इमेंस डेमोग्राफिक डिविडेंड के चलते अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकेगा। करंट प्रोजेक्शन की माने तो 2050 तक चाइना में एज रिलेटेड स्पेंडिंग 3 गुना तक बढ़ सकती है, फ्रॉम 10% 30% ऑफ जीडीपी। करेंटली चाइना का ओवरऑल स्पेंडिंग ही 30% ऑफ जीडीपी है, तो आप समझ सकते हैं कि अमाउंट कितना ज्यादा होगा। इन सिचुएशन के साथ डील करना और भी ज्यादा कठिन इसलिए होगा क्योंकि चाइना आज एक ऐसे रूलर द्वारा रूल्ड है जो डेंग ज़ियाओपिंग के बाद शायद सबसे पावरफुल चाइनीज हेड है। एनालिस्ट का मानना है कि चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक एफिशिएंसी को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया है। इसका सबसे अच्छा नमूना है चाइना में प्राइवेट फर्म्स के साथ शी गवर्नमेंट का बर्ताव, जो आज भी वहां सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेट करती हैं। लेकिन फिर भी शी के अंडर प्राइवेट फर्म्स को कैपिटल इन्फ्यूजन से वंचित रखा जा रहा है। इसकी जगह इनएफिशिएंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को लगभग 80% गवर्नमेंट लोन्स और सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, जो काउंटर प्रोडक्टिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस है। शी के डोमेस्टिक पॉलिटिकल एम्बिशंस का एक नमूना 2020 में अलीबाबा के फाउंडर जैक मा से रिलेटेड भी है, जब उन्होंने 2020 में चाइनीज फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को क्रिटिसाइज किया तो उनके द्वारा प्रमोटेड एंड फाइनेंशियल नाम की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म को आईपीओ लॉन्च करने से रोक दिया गया। यह आईपीओ रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट $37 बिलियन का था, जिसमें दुनिया भर से इन्वेस्टर कम्युनिटी ने काफी इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन इस बेनिफिट को पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए
ताक पर रख दिया गया। इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट का कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैंपेन भी चाइना में एक चेंजिंग पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को दिखाता है, जो उन आइडियाज से एकदम अपोजिट हैं जिन्होंने चाइना को 1980s में राइज करने में हेल्प किया था। ऑनलाइन स्टडी और ट्यूशन इंडस्ट्री या फिर एडटेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का इम्पोजिशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। एडटेक क्रैकडाउन के पीछे आर्गुमेंट दिया गया कि अमीरों के बच्चों के पास ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स का ईजियर एक्सेस है और इसलिए नेशनल एग्जामिनेशंस में क्लास बायस इमर्ज हो रहा है। माओ ज़ेडुंग के बाद पहली बार कॉमन प्रॉस्पेरिटी का आइडिया इकोनॉमिक एक्शंस का रीजन बना। इसलिए कई स्कॉलर्स चाइना में एक क्लियर कट लेफ्टवर्ड टर्न और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की तरफ झुकाव की बात कर रहे हैं। सेंट्रलाइज इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग डेंग ज़ियाओपिंग के डिसेंट्रलाइज अप्रोच से बिल्कुल उल्टी है। हम आपको बता दें कि डेंग को चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ का फादर माना जाता है, जिनके आइडियाज के तहत चाइनीज बूम को लोकल एंटरप्रेन्योर्स और लोकल लीडर्स ने लीड किया यूजिंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बिजनेस इक्विपमेंट्स। शी के एंटी करप्शन कैंपेन ने वहां के लोकल लीडर्स को किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंटेशन में इन्वॉल्व होने से रोक दिया है। चाइना में आज एक न्यू वेव ऑफ पॉलिटिकली ड्रिवन रेगुलेशंस और इंस्पेक्टर राज का राइज हो रहा है, जिसमें लोकल इनोवेशंस हैम्पर हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे चाइना में शी ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर खुद को इनफिनाइट टाइम के लिए डिफैक्टो रूलर बनाया, वैसे वैसे चाइना अपने फॉरेन पॉलिसी में भी असर्टिव और अथॉरिटेरियन होता चला गया। वहीं वर्ल्ड ऑर्डर जिसने उसे ग्रो करने में हेल्प किया था, आज वो चाइना के इस बिहेवियर के चलते उसके लिए लेस कंड्यूसिव होता जा रहा है। बीजिंग ने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लगातार थाउजेंड्स ऑफ न्यू ट्रेड बैरियर्स फेस किए हैं। दुनिया के मोस्ट बिग इकोनॉमीज आज खुद के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को चाइनीज इन्फ्लुएंस से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हुआवे पर लगे बैंस इसके सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और बाकी कई देश भी आज अपने सप्लाई चेन से चाइना को कट करने की कोशिश में है, ताकि उनका चाइनीज इकोनॉमी पर डिपेंडेंस कम हो और साथ में वो खुद की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर पाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो कई स्कॉलर्स क्लेम कर रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी ऑलरेडी एक बड़े शटडाउन की तरफ बढ़ चुकी है। चाइना का ऑफिशियल जीडीपी ग्रोथ रेट 15% इन 2007 से 6% इन 2019 तक गिर चुका है। दावा यह भी है कि ये फिगर्स भी ओवरस्टेटेड हो सकते हैं और इन रियलिटी चाइना का ग्रोथ रेट शायद एस्टिमेटेड से हाफ होगा। इससे भी खतरनाक बात यह है कि 2008 के बाद से चाइना का मोस्ट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट के फोर्स फीडिंग ऑफ कैपिटल के थ्रू हुआ है, जो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम स्टिमुलस स्पेंडिंग को हटा दें तो आज शायद ही चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसके साथ ही वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे क्रूशियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रेट होता है, जो 2010 से 2019 के बीच 10% से डिक्लाइन हो चुका है। ये 1980s में सोवियत यूनियन जैसी ग्रेट पावर्स की प्रोडक्टिविटी में हुए डिक्लाइन से भी ज्यादा खतरनाक है। इस अनप्रोडक्टिव ग्रोथ के सिम्टम्स आज चाइना में हर जगह दिख जाएंगे। आज चाइना में 50 से भी ज्यादा घोस्ट सिटीज हैं, यानी ऐसी अर्बन सिटीज जहां बड़े हाईवेज और घर तो हैं लेकिन इंसान नहीं है। आज चाइना के ऑलमोस्ट 2/3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा अनवायबल और कॉस्टली हैं कि शायद कभी भी उनमें इन्वेस्टेड मनी रिकवर नहीं हो पाएगा। इसका नतीजा होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल डेट चाइना का टोटल डेट 2008 और 2019 के बीच 8 गुना बढ़ गया है। इकोनॉमिक हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल डेट से क्या होता है। इन्वेस्टमेंट लेड बबल्स कोलैप्स हो जाते हैं और पूरी इकोनॉमी एक लंबे इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ बढ़ जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी सिचुएशन ने ग्रेट रिसेशन को जन्म दिया था। जिस तरह से चाइना का डेट माउंटेन है, उस हिसाब से ये पॉसिबल डाउनटर्न अमेरिकन रिसेशन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैसिवली इंडेटेड चाइनीज प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांडे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, वो शायद आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस का ही साइन है। लेकिन दोस्तों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इन सब बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। शी जिनपिंग रैपिड ग्रोथ को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और मैसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग से रिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन 2006 के बाद से भले ही चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग 3 गुना बढ़ गई हो, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर पाया है। इसका भी मेन कारण चाइना का सेंट्रलाइज और टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग, जो ओपन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन और कैपिटल को स्टिफल करता है। ओपन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी भी सस्टेन्ड इनोवेशन के लिए काफी जरूरी है। करंट टोटलिटेरियन माहौल में इनोवेशन का माहौल और भी ज्यादा खराब हो सकता है। चिप डिजाइनिंग इंडस्ट्री इस बात का शायद सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां यूएस और ताइवान के कंपैरिजन में चाइना का रोल काफी कम है। बीजिंग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी डोमेस्टिक माइक्रोचिप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के बाद भी आज 80% चिप्स इंपोर्ट करता है।
बायोटेक में भी मैसिव इन्वेस्टमेंट के बावजूद चाइनीज कोविड 19 वैक्सीन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के वैक्सीन के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही है। इन टोटैलिटी इनोवेशन चाइना को स्लो ग्रोथ से बचा नहीं सकता। दोस्तों चाइनीज क्राइसिस उसके खिलाफ स्ट्रेटजिक एनसर्कलमेंट जैसे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम से और भी ज्यादा खराब हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी में एक वाइडली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है कि वर्ल्ड ऑर्डर एनार्कियल है, जिसके चलते कोई भी देश एक दूसरे देश को ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसे में ये वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा से एस्पायरिंग हेजिमन देशों के लिए एक डेथ ट्रैप का काम करता है, जहां कई सारे देश राइजिंग पावर्स के खिलाफ अलायंसेस फॉर्म कर ग्रेट पावर्स को बैलेंस करते हैं। इसे ही स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट कहा जाता है। इस डेथ ट्रैप और न्यूली फॉर्म स्टेट को बचाने के लिए ही चाइना ने लगभग 40 सालों तक खुद के एम्बिशंस को डाउन प्ले किया। यही वजह थी कि कई सालों तक यूएसए ने भी कम्युनिस्ट चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को इन्हांस किया डिस्पाइट ऑफ ऑल द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। जैसे जैसे बीजिंग साउथ चाइना सी, इंडियन बॉर्डर्स और ताइवान स्ट्रेट में एग्रेसिव हो रहा है, वैसे वैसे वो नए राइवल्स को क्रिएट कर रहा है। पिछले कुछ सालों में यूएसए ने भी चाइना के साथ अपने एग्रीमेंट्स को अबेंडन कर नियो कंटेनमेंट पॉलिसी अपनाई है। क्वाड जैसे पॉसिबल सिक्योरिटी अलायंसेस का रिसेंट ईयर्स में इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार यूएसए ने मोस्ट एग्रेसिव टैरिफ्स इम्पोज किए, जिसके चलते सिनो यूएस ट्रेड वॉर का भी जन्म हुआ था। यूएस ने फ्रंटलाइन स्टेट्स के साथ अपने आर्म्स सेल्स और मिलिट्री सपोर्ट्स भी बढ़ाए हैं। यूएस के इस एंटी चाइना टर्न ने कई और जगहों में चाइना के खिलाफ बैकलैशेस को जन्म दिया। आज ताइवान पहले से कई ज्यादा एग्रेसिवली अपने डी फैक्टो इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए आतुर है। ये ताइवान की न्यू डिफेंस स्ट्रेटजी में साफ दिखता है। उधर जापान भी यूएस के साथ क्लोजली कॉर्पोरेट करने के लिए रेडी है, ताकि चाइनीज रीजनल हेजमनी को काउंटर किया जा सके। साउथ चाइना सी के अराउंड लोकेटेड देश भी आज चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वियतनाम मोबाइल शोर बेस्ड मिसाइल्स, रशियन अटैक सबमरीन्स, न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट और सरफेस शिप्स आर्म्ड विद एडवांस क्रूज मिसाइल्स को एक्वायर करने की जद्दोजहद में है। सिंगापुर भी अब एक सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री पार्टनर बन गया है और इंडोनेशिया ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग 20% से बढ़ा दिया है। फिलीपींस भी आज साउथ चाइना सी पर अपने क्लेम्स को रीअसर्ट कर रहा है और अपने एयर और नेवल पेट्रोल्स को रैंप अप कर रहा है। चाइनीज एम्बिशंस आज ईस्ट एशिया के बाहर भी एंटी चाइना सेंटीमेंट्स को जन्म दे रहा है। इंडो पैसिफिक में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बाद अब AUKUS यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के अलायंस को भी बीजिंग के खिलाफ देखा जा रहा है। साथ में यूएस आज ओवरलैपिंग मिनी कोएलिशंस के थ्रू ये तक एंश्योर करने में लगा है कि एडवांस डेमोक्रेसीज की टेक्नोलॉजीज में चाइना से आगे रहें। हालांकि ये बात भी सच है कि अभी तक काउंटर चाइना कोऑपरेशन वर्क इन प्रोग्रेस ही है, क्योंकि आज कई कंट्रीज बीजिंग पर ट्रेड के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन ये पार्टनरशिप्स आने वाले समय में बीजिंग की एम्बिशंस के लिए खतरा जरूर बन सकती हैं, स्पेशली तब जब वो इकोनॉमिकली उतना सिग्निफिकेंट नहीं रह जाएगा। दोस्तों अगर ये एनालिसिस सच होता है तो यूएस और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए ये खुशखबरी हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्टोरिकली ऐसे ग्रेट पावर्स जो वर्ल्ड ऑर्डर को अपने हिसाब से शेप करने के एम्बिशंस रखते हैं, वो तब और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब उनके एम्बिशंस उनकी कैपेबिलिटीज से कोइंसाइड करते हैं। ऐसे में एक डिससेटिस्फाइड ग्रेट पावर और उनके अथॉरिटेरियन लीडर्स एक घायल शेर की तरह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जर्मनी है, जिसे वर्ल्ड वॉर वन के लिए ब्लेम किया जाता है। जर्मनी अपने हेजेमोनिक एस्पिरेशंस को ब्रिटिश, रशियन, फ्रेंच एंटीट से बचने के लिए डेस्परेशन में चला गया और वर्ल्ड वॉर वन को रोक पाना इम्पॉसिबल हो गया। वर्ल्ड वॉर टू में जापान का एग्रेशन भी ऐसी ही कंडीशन का आउटकम है। ऐसे में चाइना का स्टैग्नेशन और डाउनफॉल विद राइजिंग टोटेलिटेरियनिज्म किसी भी प्रकार से वर्ल्ड पीस के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी चाइना के राइज के पॉसिबल एंड की और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस एंड को इन्फ्लुएंस करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।